पति पत्नी एक दूसरे को अगर देवी देवता माने तो कभी झगड़ा नहीं होगा। लेकिन आजकल तो पति पत्नी एक दूसरे को क्या मानते हैं, पत्नी को क्या कहते हैं लोग आजकल, मैडम, क्या कहते हैं घर में कौन है, भाजी मैडम है। मैंने पूछा जी आपके साथ कौन है, बोले जी ये हमारी मैडम है। मुझे पता नहीं भाई मैडम किसे कहते हैं। हमने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोली, द बाइबल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ऑक्सफोर्ड प्रेस से जो छपती है, 7-8 हज़ार रुपये की आएगी, वो मत समझ लेना वो जो दुकान से ले आते हो 400-500 हज़ार रुपये की, वो नहीं होती, 7-8 हज़ार रुपये की आएगी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मैंने खोला और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मैंने मैडम शब्द का अर्थ देखा, वहाँ लिखा था ए लेडी हु इज हैड इन चार्ज ऑफ अ ग्रेट ब्रोदल हैविंग थाउजेंड्स ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स, अर्थात एक ऐसे वेश्यालय की स्वामिनी, सबसे बड़ी वेश्या, जिस वेश्यालय में हजारों वेश्याएं रहती हों, उसकी जो मालकिन है उस वेश्यालय की, उसका नाम मैडम है। तुम्हारे घर में कौन रहती है, मैडम। ये कौन जा रही है साथ में, मैडम है। ये हमारी कौन है, ये अरे भले आदमी कितनी गंदी गाली दे रहा है, सोच भी रहा है कभी के, देवी कहो देवी। क्या कहना कहना चाहिए स्त्रियों को, बोलो क्या कहना चाहिए, देवी कहोगे तो वो सिंह पैदा करेगी। अभिजान शाकुंतलम उठाकर पढ़ना कभी, अभिजान शाकुंतलम में कथा आती है, दुष्यंत के पुत्र का क्या नाम था, भरत है ना, राजा दुष्यंत के पुत्र का नाम सर्वदमन भी था है ना, भरत तो कहते थे ऐसे ही उन्हें, नाम तो सर्वदमन ही था। राजा दुष्यंत ने अपनी पत्नी से लंबे समय तक संबंध नहीं रखा। एक बार वो जंगल में गए शिकार खेलने के लिए, तो उन्होंने देखा, उन्हीं का पुत्र था वो, लेकिन वो तो जानते नहीं थे, उनका पुत्र को देखा तो देखा एक बच्चा है सामने छोटा सा, और वो बच्चा शेरनी के दूध पीते हुए शावकों को जबरन खींच रहा है, उनके कान पकड़कर उनके बाल पकड़कर खींच रहा है और उसकी दूध ही से तोड़ रहा है शेरनी की, और अलग ले जाकर रखता है। बच्चे रोते चीखते फिर आते हैं, फिर माँ का दूध पीने लगते हैं। ये डर गया कि कितना भयानक बालक है, शेरनी के बच्चों के साथ खेल रहा है, शेरनी वहीं मौजूद है। तो राजा दुष्यंत एक पेड़ की आठ से धनुष बाण लेकर और उस बच्चे को धीरे से बोले, ऐसे करके धीरे से बोलते हैं ना, कहा रे बालक क्या कर रहा है, हट जा वहां से। कुछ कुमारियां भी किसी पेड़ की ओट से उसे यही कहने के लिए कह रही थी, लेकिन बालक नहीं मान रहा था। बालक ने राजा दुष्यंत की ओर एक बार देखा, फिर अपने काम में लग गया, दोबारा फिर कहा, फिर देखा, फिर अपने काम में लग गया। तीसरी बार जब राजा दुष्यंत ने उसे कहा कि इन्हें छोड़ दे, ये सिंघनी है, ये तुझे खा जाएगी, क्या तू नहीं जानता कि सिंह कितना खतरनाक पशु होता है, तो बालक मजाक लेकर कहता है, बालक अपने पिता की, उसे तो पता नहीं है तेरा पिता है, मजाक लेकर कहता है, अच्छा ये सिंघनी है, ओह मैं तो डर गया, उसकी मजाक लेता है। जब स्त्रियों को लोग देवी मानते हैं तब ऐसे सिंह बालक पैदा होते हैं जो सिंह के शावकों के दांत गिनकर खेला करते हैं, ऐसे बालक। लेकिन आजकल कहां, आजकल तो कॉकरोच देखकर अलमारी की छत पर चढ़ जाने वाले बालक पैदा होते हैं, हैं? और क्या बच्चे पैदा हो गए हैं आजकल तुम्हारे घरों में, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, भगत सिंह और बिस्मिल पैदा नहीं होते, डांसर पैदा हो रहे हैं। डांसर, डांसर किसे कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं डांसर को, अरे बोलो, नहीं जानते इतनी अंग्रेजी, डांसर को हिंदी में कहते हैं भांड, क्या कहते हैं भांड। और हम अपने बच्चों को भांड प्रतियोगिताओं में भेजते हैं, हैं? जिले की प्रतियोगिता होती है, हमारा बच्चा उसमें जाता है और जीत कर आता है। नाम था अखिल, होता है ना ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन, लेकिन उसे हिंदी में करेंगे तो कहेंगे ऑल इंडिया डांस डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन था ना, तो इसका हिंदी बनती है अखिल भारतीय भांड प्रतियोगिता, अखिल जनपदीय भांड प्रतियोगिता। बच्चा जीत कर आता है तो माता पिता दुनिया को बताते हैं, मेरा बच्चा जिले का सबसे कमाल का भांड है, जिले में इसके जैसा भांड एक भी नहीं, शिवाजी महाराज की संतान भांड बन गई। और फिर ये स्टेट पे जीत के आता है, और फिर जब नेशनल लेवल पे जीत के आता है तब छाती ठोक कर कहते हैं, आज मेरे लड़के जैसा भांड पूरे देश में नहीं रहा, ये देश का सबसे बेहतरीन भांड है, इससे बढ़िया भांड एक भी नहीं। और फिर ये भांड सड़कों पर खड़े होकर नाचता है, बोले हट जाता हूं पछे ने नाचण दे जी भर के, मतलब राम जी की संतान, श्री कृष्ण की संतान भांड बन गई और नाचती घूम रही है, तुम्हें कितना अच्छा लगता है कि तुम नाचते हो। अच्छा कौन कौन है यहां भांड हाथ खड़े करो, जो विवाहों में नाचते हैं भांड, है कोई, एक भी नहीं है, ये है नहीं, तू अपनी बता, तू अपनी बता, इसकी छोड़, हैं हैं, नहीं नाचता, पहले पहले लोग पहले लोग विवाह का काम अपने आप संभालते थे,
संस्कार का काम संभालते थे, स्त्रियां भोजन संभालती थी और नाचने गाने वाले किराए पर भांड बुलाए जाते थे। आजकल खाना बनाने वाले संस्कार वाले तो किराए पर बुलाए जाते हैं और भांड वो खुद ही बन जाते हैं और खुद ही भांडों की तरह नाचते हैं, बल्कि अपने यहाँ नहीं, मैंने तो उन्हें दूसरों के विवाहों में भी नाचते देखा है। बोलो नाचते हैं कि नहीं नाचते? दूसरों के कई तो मैंने ऐसे देखे हैं, वो साइकिल पर पढ़ने जा रहे हैं, रास्ते में से बारात जा रही है, डीजे बज रहा है तो उसके पांव थिरकने लगते हैं, बोला मैं रुक नहीं पाऊंगा, 10 मिनट नाच के तभी आगे बढ़ूंगा। क्या हालत हो गई है, बिस्मिल की औलाद, भगत सिंह की औलाद, महाराणा प्रताप की औलाद भांड बन गई और ये गली गली गांव गांव नाचते फिर रहे हैं। इन भांडों से भगवान बचाए। ये तब होता है जब घरों में मैडम रहती है। ये भांड कब पैदा होता है? जब घरों में मैडम पैदा होते। पहले बच्चे का नाम रखते थे, क्या नाम है? भले संग्राम सिंह है, युद्धवीर। आजकल नाम रखते हैं, इसका नाम क्या है? चिंटू है, मोनू, कुक्कू, नाकू, अत्तरा बला, क्या नाम रखते हैं, ये क्या नाम है? और ये नाम रख के खुश होते हैं कि हमने नाम रख लिया आजकल, इसीलिए। अच्छा, बच्चे भी बदला लेते हैं, बच्चों ने भी इन माता पिताओं के नाम बदल दिए। वो माँ को क्या कहते हैं? मम्मी, मम्मी से मॉम बन गई। और दिल्ली में जाओ तो मॉम भी नहीं, मम्स हो गई, मम्स, वो आवाज लगे मम्स। अच्छा, मम्स तो पहले बीमारी निकलती थी यहाँ, हमारे यहाँ हापू बोलते थे उसे, है मम्स नाम की बीमारी। ये बीमारी अब घर में आ गई, पिताजी से ब्याह हो गया इसका और हम उसे मम्स कहते हैं। और पिताजी को क्या बना दिया? डैडी। डैडी से क्या बन गया? डैड। अब डैड भी बदल गया, डैड का भी डैडा हो गया। दिल्ली में गया तो वो आवाज लगे डैडा, अरे तेरा भला करे भगवान डैडा। और एक घर में गया तो वो तो कमाल ही मैंने सुना, उसने कहा डैडू, तो मैंने सोचा इन्होंने कोई कुत्ता पाल रखा होगा, तो मैंने कहा बहन जी तुमने कुत्ता पाल रखा है? तो बोले नहीं जी, हमारे घर में तो कोई कुत्ता नहीं है। मैंने कहा तुम्हारा बच्चा बुला रहा है डैडू डैडू? बोले तो अपने पापा को बुला। ये जब घर में मैडम होगी तो ये डैडू पैदा होगा, ये चिंटू पैदा होगा, ये गुंटू और नाकू पैदा होगा। लेकिन अगर तुम्हारे घर में देवी होगी तो तुम्हारे घर में श्रीराम पैदा होगा, तुम्हारे घर में संग्राम सिंह पैदा होगा, तुम्हारे घर में शेर सिंह पैदा होगा, नहीं तो टोमी पैदा होगा। अब तुम्हें क्या पैदा करना है वो तुम सुनो, तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें माताजी पिताजी बनना है या डैडू और मम्स बनना है, ये तुम सोचो तुम्हें क्या बनना है, मुझे कोई मतलब नहीं है, जो बनना चाहो बनो।